अगर आप बाइक चला रहे हैं तेजी से और फिर भी इंस्टा गिरता है तो कम से कम साइड से नहीं टूटेगा। लेंस के लिए मैं लेंस गार्ड इसमें लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग, आगे पीछे दोनों तरफ लेंस गार्ड लगाया मैंने। और ये इसके उड़ान भरने के पंख हैं, समझे ना आप, यहाँ लगेगा और फिर ये उड़ान भरेगा। आपने जेट प्रज्योत का अगर वीडियो देखा होगा तो देखा होगा वो ही वॉज टेलिंग ही वॉज ऑन लाइक 70-80 स्पीड और 70-80 की स्पीड पे गिरा तब उसके पैर 2-3 जगह से टूटा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के साथ भी हो, हालांकि ये आपको बिल्कुल सुरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवीश त्रिपाठी है, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैंने कुछ टायर के लिए चीज़ें मंगाई थी, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था क्या क्या मैंने मंगाया है और अब मैं वापस से दिखा रहा हूँ कि वापस से कुछ और चीज़ें आई हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या क्या आया हुआ है दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको क्यों मंगाया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको मैं बताता रहूँगा। ये प्रो के बेसिकली नी पैड, ये थाई पैड है बेसिकली, रिस्ट में यहाँ पे आर्म में आएगा ये इस तरह से, और ये नी गार्ड है, इसको नी गार्ड बोलते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे लगेगा, पीछे से बांधने के लिए गए हैं, इस तरह से खोल के आप इसको बांध सकते हो। तो क्या इनका बेनिफिट है और मैंने इनको क्यों मंगाया है, रीज़न क्या होता है, जब आप बाइक को बहुत तेज चलाते हो तो बाइक अगर गिरती है तो ये आपको पहली बात तो सेफ रखेंगे, दूसरी बात इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई ना हो के बहुत कम है, मेरे ख्याल से 900 या 1000 रुपए के पड़े हैं। मैं इनका लिंक दे दूंगा कितने के हैं। तो सभी राइडर्स जो भी राइड कर रहे हैं तो इनको ज़रूर लें, बहुत काम के हैं, मैंने देखा इनका रिव्यू भी देखे तो काफ़ी काम के हैं, मजबूत भी हैं और अगर आप गिरेंगे तो काफ़ी चोट से आपको बचाएंगे। जैसे अक्सर ऐसा होता है लोग गिरते हैं फिर रगड़ते हैं फिर छिलते हैं, तो आप ना रगड़ेंगे ना छिलेंगे और ना घायल होंगे। बाकी क्या है देखते हैं क्या है। तो कुछ लोगों को समझ में आया हुआ क्या है, देखिए पास लाओ दिखाते हैं। कुछ ये है इसका हवाई जहाज, तो ये जो है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर ये जाके उड़ान, ये इसके उड़ान भरने के पंख हैं, समझे ना आप, यहाँ लगेगा और फिर ये उड़ान भरेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइबर के हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें। मैं सोच रहा हूँ कि बेसिकली कार्बन फाइबर की रैपिंग करा दूंगा तो ये और अच्छा लुक देंगे। तो ये भी कितने के पड़े हैं मैं इसका लिंक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ और भी है मेरे पास दिखाता हूँ, इंस्टा 360 मंगाया था उसका बॉक्स है ये। फिर ये एसेसरीज है इंस्टा की जो मैंने मंगाई थी साथ में, और ये बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। एक ग्लू है, ये बेसिकली चेस्ट पे लगाने वाला है, जो चेस्ट पे पहनने में काम आता है, अगर आप चेस्ट पे इंस्टा लगा रहे हो तो उस पर काम आता है। ये इस तरह से पहना जाता है, ऊपर से आएगा ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, इसमें यहाँ पे आप माउंट कर सकते हो। ये इसका हेड माउंट है, ये हेड पे माउंट करने के लिए हेलमेट के ऊपर, हेलमेट के ऊपर माउंट हो जाएगा और यहाँ पर कैमरा लग जाएगा उसके लिए। ये रिस्ट माउंट है, हाथ पे लगा दीजिए रैप करके उसके लिए। बाकी ये कवर है और भी काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ गिर रहा है बाद में उठा लूँगा मैं। सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, मैंने इसको मंगाया, मंगाने का रीज़न क्या है, इंस्टा डायरेक्टली इसमें माउंट है और होता क्या है अक्सर खोलते टाइम पे अगर आपने ध्यान ना दिया तो इंस्टा निकल के गिर जाता है, तो इसको मुझे इससे निकालना होगा और इसमें डालना होगा कुछ इस तरह से, देखिए। और ये प्रॉपर आयरन का है, ये एल्युमिनियम का है, बहुत मजबूत है, तो इंस्टा इसके अंदर प्रॉपरली चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये टूटेगा नहीं या गिरेगा नहीं, मतलब गिरेगा तो टूटेगा नहीं, दिखाता हूँ। और ही मैंने मंगाया था लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था, ये बेसिकली नॉर्मल अगर आप इसको इसमें माउंट नहीं कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह से डालिए, इसको बंद कर लीजिए, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब इससे आपका पूरी तरीके से सिक्योर हो गया, अगर आप बाइक चला रहे हैं तेजी से और फिर भी इंस्टा गिरता है तो कम से कम साइड से नहीं टूटेगा,
लेंस के लिए मैं लेंस गार्ड इसमें लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग, आगे पीछे दोनों तरफ लेंस गार्ड लगाया मैंने। और बाकी इसको ऐसे लगा के फिर आप इसको इसमें माउंट कर सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, अगर चलती बाइक में इंस्टा गिरता भी है किसी रीजन से, जैसे मैंने अभी ब्लॉग में शूट करा था आप लोगों ने देखा होगा, तो ये झुक गया था, गिरा नहीं था। हालांकि जब रोड बहुत ऑफ रोडिंग होती है तो ये गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है ताकि ये गिरे तो सुरक्षित रहे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ताकि कुछ और एक्सेसरीज है जो मिलती हैं साथ में, कुछ माउंट देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारी चीज़ें और भी एक आज पड़े हुए हैं इसमें। तो ये सब कितने कैसे आए मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो अगर जिसको लेना हो वो ले सकता है, ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने बताई, एक आपको नी पैड, ठीक है, एक आर्म पैड, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप ज़रूरी नहीं एक सुपर बाइक को ऑन करते हो या सुपर बाइक चलाते हो तभी ये पहने, आप अगर एक छोटी बाइक चला रहे हैं जो 100 सीसी या 150 सीसी की या है या उससे ऊपर है तो आप इसको पहन सकते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए होंगे। क्योंकि जब भी आप स्पीड आपकी 60 से ऊपर होती है, अगर आप गिरते हो तो आपके हाथ पैर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। आपने जट प्रज्योत का अगर वीडियो देखा होगा तो देखा होगा, वो ही वॉज टेलिंग ही वॉज ऑन लाइक 70-80 स्पीड और 70-80 की स्पीड पर गिरा, तब उसके पैर 2-3 जगह से टूटा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ भी हो, हालांकि ये आपको बिल्कुल सुरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप देखिए ये स्टील का है तो काफ़ी हद तक आपका बॉडी तो सिक्योर रहेगी, आपकी जान कुछ हद तक तो बचेगी चोट लगने से। तो मैं सभी लोगों से बोलूँगा, बाकी हेलमेट लगाइए, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, आप 1500-2000 तक के हेलमेट ले सकते हो जो बहुत अच्छी क्वालिटी में आजकल मार्केट में आते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं भी एक रिटेल वीडियोस का बनाऊंगा कि कम से कम 5-6 चीज़ें क्या चीज़ होनी चाहिए जो एक राइडर्स कम से कम पहने। ग्लव्स पहनिए, ये ग्लव्स बहुत सेफ करते हैं आपको। जब आप देखिए, आप इसको देखिए पास से, ये रबर के पैड्स हैं, अगर आप गिरेंगे तो सबसे ज़्यादा चोट आपकी इनमें आती है और यहाँ पर आती है। तो अगर आपकी यहाँ पर पैडिंग हो, यहाँ पर पैडिंग हो, बेसिकली ये ग्लव्स भी इतने सिक्योर नहीं होंगे, इनमें फिंगर्स खुली हुई हैं। तो अभी मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ तो इनको पहनना हो, बाकी मैं लॉन्ग राइड के लिए दूसरे ग्लव्स को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप गिरोगे तो कम से कम आपके ये और ये हिस्सा सेफ रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट इन्हीं हिस्सों में आती है, फिंगर्स में भी आती है, मैं नहीं करा, लेकिन हाँ मैं भी सिटी राइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम ना से कुछ सही। तो अक्सर आपने देखा जो प्रो राइडर के ग्लव्स आते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे ग्लव्स लो, 2000, 3000, 4000, 5000 वही आपको सुरक्षित कर सकते हैं, ये ग्लव्स भी आपको सुरक्षित कर सकते हैं। बेसिकली प्रो बाइकर के आते हैं, मार्केट में आपको 3, 4, 500 या 600 तक पे मिल जाते हैं, अलग अलग रेंज वेरी करती है कितने के मिलते हैं, अपनी बाइक से मैच भी कर सकते हो, उन्हें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ठीक है। और अच्छी बात क्या, आप देखिए यहाँ पर गार्ड है, यहाँ पर गार्ड है, यहाँ पर गार्ड है और इधर भी मैश है, बाकी इधर ये फिंगरप्रिंट के लिए है कि अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो उसके लिए है, बाकी ये थंब का गार्ड भी है। तो आप सोच सकते हो कि इतनी सारी सिक्योरिटी अगर आपको मिल रही है, अगर आप 100-150 की या 120-130 की स्पीड पे गिर रहे हो तो आप कुछ हद तक तो सुरक्षित रहोगे। मैं नहीं कह रहा आप राइनोक्स से खरीदो, अगर आपका बजट नहीं है आप इनको लीजिए, कम से कम कुछ हद तक तो सुरक्षित रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं 150 के लिए, लेकिन हाँ आप कुछ हद तक सुरक्षित हैं बिना ग्लव्स के चलने के लिए, क्योंकि आप जो खर्चेंगे या रगड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। एक लेदर की जैकेट पहनिए प्रॉपरली अगर आप राइडिंग कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छी जैकेट नहीं आप ले पा रहे हो, अफोर्ड कर पा रहे हो, तो कम से कम ऐसी जैकेट लीजिए जो आपकी हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। बाकी इसमें क्या है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा क्या है इसके अंदर, और भी कुछ सामान आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने हेलमेट्स मंगाए हैं 2, उनको भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरी बात समझेंगे, आप लोग मेरी बात मानेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त लवी त्रिपाठी, बाय बाय।